तो कार्य छोटा हो या बड़ा, पर प्रत्यक्ष रूप से उसको करने से पहले उसको करने का मन बनाया जाता है। व्यवहार में, बोलचाल में हम कह सुन लेते हैं ना कि पहले मन बना लो, कुछ भी काम करना है तो पहले मन बना लो। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, गुरु के शब्द बनाओ एहे मन। करे जो आज हमारे पास में मन है, हम कहते हैं ना मन देना, गुरु को मन देना, गुरु को मन देने से दीक्षा होती है। अर्थ क्या है इस बात का? कभी देखा तो नहीं मन को, कभी हाथ तो मन आया नहीं। और थोड़े ही लोग होते हैं जो जीवन में कभी अपने मन से कुछ बात कर पाते हैं, अपने मन से संवाद स्थापित कर पाते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं। सारे संसार से कहना सुनना और लेना देना होता रहता है, अपने मन से बात नहीं हो पाती, अपने मन से संवाद स्थापित नहीं हो पाता। और आप सब संतों की वाणी का दर्शन करिए, वो आपको किससे बात करते मिलेंगे? अपने मन से, मन से बात कर रहे हैं। श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं, मैं तो कथा ही अपने मन को सुनाता हूं, किसी को नहीं सुनाता, अपने मन को कथा सुनाता हूं। नागरीदास जी एक बात कहते हैं, सिद्धांत की बात है, कहते हैं, ये मन मार जीवाइये, जीवत ना आवे काज। क्या तात्पर्य है कि आज जैसा हमारा मन है ना, ये भजन के काम का मन नहीं है। ये द्वंद में पड़ा मन, ये दुविधा में पड़ा मन, ये संशयग्रस्त मन, ये विकारग्रस्त मन, जो सतत निरंतर केवल केवल मिथ्या का ही चिंतन करता है, प्रपंच और दंभ में लिप्त, करे ये मन भजन के काम का मन नहीं है। इसलिए कहा, ये मन मार जीवाइये। क्या अर्थ है? तो यहां उत्तर मिलता है, गुरु के शब्द बनावो एहे मन। करे गुरु का शब्द सुन के, माने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए एक नवीन मन का निर्माण करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मन क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अंग्रेजी में तो क्या है, मन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अब अगर आप अंग्रेजी का शब्दकोश देखें ना, तो वो मन को क्या कहते हैं? माइंड। अंग्रेजी में मन के लिए कोई शब्द नहीं है। मन है क्या? जहां अंतःकरण, जहां संकल्प विकल्प उठते रहते हैं निरंतर। आपको कभी शायद मैंने कहा था कि 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर जो जो मन में आ रहा है वो बोलते चले जाओ, आपको लगेगा कि आप पागल हो, विक्षिप्त हो। जो मन में आ रहा है बस वो बोलो। तो ऐसे संकल्प विकल्प जहां निरंतर उठ रहे हैं, उसी का नाम मन है। और संकल्प विकल्प का मूल क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। आप एक एक विचार को लिखो, एक दिन यही काम करो, इसी को कहते हैं आत्मविश्लेषण। हम कहां हैं? ध्यान रखना, आप घर में बैठे हो, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, आप दुकान में व्यापार कर रहे हो, आप संसार में व्यवहार कर रहे हो, पर आप हो वहीं जहां आपका मन है, जैसा आपका चिंतन है आप वहीं हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां बैठे हो। आपको याद हो, यही किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि श्री जी की सेवा में भी बहुत आनंद आता है, यहां सत्संग में भी बहुत आनंद आता है, तो मन में द्वंद है कि कहां रहे। तो मैंने कहा, वहां रहो जहां मन में द्वंद ना हो, हो आप वहीं जहां आपका मन है। तो एक दिन ये प्रयोग करके देखो, मन में जो जो विचार आ रहा है उसको ईमानदारी से लिखो,
फिर उन विचारों को देखो, फिर देखो कि इन विचारों का मूल क्या है। यही पांच विकार जो हैं वो उन विचारों का मूल आपको मिलेंगे। कोई विचार होगा काम से प्रेरित होगा, कोई क्रोध से प्रेरित होगा, कहीं कोई लोभ से आया होगा, कोई मोह से, और किसी के मूल में अहंकार होगा। यही मन है। अगर ये ऐसा मन भजन के काम का नहीं है, संसार के व्यवहार के काम का तो ऐसा ही मन है, फिर भजन के काम का ऐसा मन नहीं, तो कह रहे नया मन बनाओ। इसलिए मैंने आरंभ में कहा मन तो बनाया जा सकता है, तभी तो हम कहते हैं भाई पहले मन बना लो। मन बनाया कि नहीं बनाया? ये काम करने जा रहे हो, पहले पहले पूरा पूरा मन बना लो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मन बनाया जा सकता है। आप थोड़ा प्रयास करके मन बना सकते हो। कैसा मन बनाना है? नया मन बनाओ। और वो मन कैसा हो, किसके अनुकूल हो? कह गुरु की वाणी के अनुकूल मन हो। इसलिए सेवक जी महाराज सेवक वाणी में कहते हैं कि श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अगर हमसे कोई पूछे ना कि हमारे लिए गुरु आज्ञा क्या है, तो सेवक जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि हम लोगों के लिए गुरु आज्ञा क्या है, एक हितधर्मी के लिए गुरु आज्ञा क्या है। यानी श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और कह रहे ते न बचन मानत गुरु द्रोही निस दिन करत आपनो भायो। और आपसे मैंने कहा था कि मनमुख आवे मनमुख जावे और मनमुख फिर चोटा खावे। महाराज तो वाणी में यहां तक लिखते हैं कि रे जितने नरक हैं वो सब मनमुख भोगता है, मनमुख। और सेवक जी महाराज यही बात कह रहे हैं, निस दिन करत आपनो भायो, अपनी मनमानी रीति से अपनी मनमानी चाल से चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, कह रहे इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योग की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे ये जो लेकिन ये खोटे घोड़े जैसा जो मन है ना, गुरु की कृपा के बिना इसको नियंत्रित नहीं कर पाते, मन हाथ नहीं आता। साधन को हरि भजन है कह सतसंग सहाय। इसीलिए कहते गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। यही अर्थ है इस बात का। कुछ भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। यही गुरु की बड़ाई है, यही उसकी ऊंचाई है, यही उसका गुरुत्व है, यही उसका गौरव है, यही उसकी महिमा है कि अंत तक जीव जो है वो दास मन का ही बना रहता है। तो कह रहे गुरु के शब्द बनावहु इही मन, गुरु का दर्शन संचहु हरिधन। कह रहे गुरु की ओर देखते देखते, गुरु की ओर देखते देखते भजन करिए। मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई अपनी ओर देखोगे तो चिंता होगी, क्योंकि हम तो दुर्बल हैं। आप आज एक संकल्प करो, कल टूट जाएगा। आप आज एक व्रत लो, आप कल ही देखोगे कल ही नहीं निभा पाए उसको। जन्म भर की बात तो कौन करे। ना ज्ञान शक्ति है हमारे पास, ना क्रिया शक्ति है, ना संकल्प शक्ति है, भजन कैसे होगा? अपनी ओर देखो तो बड़ी चिंता होती है, अपनी ओर देखो तो फिर तो निराश हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि भाई नहीं, हम नहीं कर सकते। और बाहर देखो तो भाई बड़ा डर लगता है। अब देखो, देखते ही देखते, मैं शायद 2003 में पहली बार वृंदावन आया था, और बड़े आनंद से हम यहां वृंदावन की गलियों में और साधु संतों के साथ में घूमते थे। 20 ही बरस पहले की बात है। अब आप देखो, देखते ही देखते कैसा बाहर का दृश्य हो गया। मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते, थोड़ी देर जमुना जी के किनारे जाकर नहीं बैठ सकते। और वृंदावन की गलियां तो है ही इसलिए कि वृंदावन की गलियों में भ्रमण किया जाता है। यहां तो गलियों में डोलना ही है, यहां तो नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। अब देखो, देखते ही देखते कैसा दृश्य हो गया। तो बड़ी तीव्रता से विकृति आ रही है, और अभी आगे पता नहीं क्या होगा।
और मैं तो कहता हूं कि इस इन परिस्थितियों को देखते हुए केवल यही सीखना चाहिए कि भाई अब तक भी भटक रहे हैं और अगर आज नहीं संभले तो कल भी भटकेंगे और कल जाने दृश्य कैसा हो जाएगा, देखते ही देखते तो क्या हो गया और होता चला जाएगा। अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम, युग का धर्म है ये। फिर कहां से मनोबल मिलेगा, कहां से उत्साह का संचार होगा, कौन गिरते को उठाता है? अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु का शब्द ही तो है, गुरु की वाणी तो है, गुरु ही तो देता है जो प्रसाद, उसी से ही तो आत्मबल मिलता है। जैसे किसी को शरीर से स्वस्थ रहना हो तो उसको एक ही सिद्धांत है कि अच्छा भोजन करना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। तो ऐसे ही किसी को यदि अपने अपने अंतःकरण को स्वस्थ शुद्ध पवित्र रखना है तो एक ही विधि है, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना भजन नहीं होता, सत्संग के बिना भजन नहीं होता। जब मैं कहूं ना भजन करना चाहिए तो ये समझ ही लो कि सत्संग तो करना ही चाहिए, सत्संग से ही भजन होगा। तो कह रहे गुरु के शब्द बनावो एहि मन, बस जो कहते हो एक बार, यही आत्मसमर्पण है। फिर उसमें कोई क्यों क्या कैसे मत करिए, उसमें बुद्धि मत लगाइए। बुद्धि इसलिए नहीं मिली है, आज किसी ने प्रश्न किया है, कह रहे आप बार बार कहते हैं बुद्धि बड़ी बाधा है, बुद्धिमान के लिए यह मार्ग नहीं है, बुद्धि मत लगाओ। फिर बुद्धि भगवान ने दी क्यों है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्यों दी है भगवान ने बुद्धि अगर यहां बुद्धि का काम नहीं है? बुद्धि से क्या किया जाता है, बुद्धि से किया क्या जाता है, किस काम आती है बुद्धि? चाय बनाती है, भोजन बनाती है, क्या करती है बुद्धि? बुद्धि गुण दोष का विचार करती है। कोई भी वस्तु आप उठाते हो, आपको उसमें गुण लगता है तो आप लेते हो। अच्छा, और देखो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक ही समय में एक वस्तु आपको अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है। आप लेते हो, कोई नहीं लेता है, आप उसके पास जाते हो, कोई उससे दूर भागता है। जितनी जितनी बुद्धियां हैं उतने ही विचार हैं, जितनी मतियां हैं उतने ही विचार हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि गुणदोष का विचार करती है। तो बुद्धि से यदि आपको आपको श्रेष्ठ कार्य लेना है तो फिर क्या करिए, प्रभु के गुण का विचार करिए। नानक नाम जपत सुख पावा, नाम जपते जपते बस प्रभु के गुण का विचार करिए, प्रभु का गुणानुकीर्तन करिए, जस गाइए प्रभु का, और अपने दोष का विचार करिए। ये बुद्धि की सार्थकता है। आप बुद्धिमान तभी हैं जब आप अपने दोष का विचार करके फिर उसको दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने दोष को देखकर फिर उसको दूर करने का प्रयास करना, यही बुद्धि की सार्थकता है। तभी आप बुद्धिमान हैं। काग जैसे जन तो आपको बहुत मिलेंगे, कर्ता जीवन घात। संत कह रहे हैं ना, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। काग जैसा मन होता है, केवल दोष ही देखता है। और ऐसे दो चार लोग देखे मैंने भी अपने जीवन में, वो कहीं कहीं अनेक अनेक गुणों में से भी एक दोष निकाल लाते हैं और कहते हैं देखो कितनी पैनी दृष्टि है हमारी, जो तुम नहीं देख पाए वो हमने देख लिया। और इतनी नकारात्मकता भर जाती है उनके भीतर। ध्यान रखना, आप जैसा चिंतन करते हैं आप वैसी वस्तु को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, आप वैसी शक्ति अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। हाउ यू आर थिंकिंग, कैसा सोच रहे हैं आप, आपका विचार जो है वही आकर्षित कर रहा है वस्तुओं को। आप देखो जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जो अवसादग्रस्त है, उसको उसको सकारात्मक बात समझ में ही नहीं आती, वो नकारात्मक होता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसी को आकर्षित कर रहा है। आप जब दोष देखोगे आप समझना वो दोष आपके भीतर आ गया, आ क्या गया, पहले ही था, नहीं होता तो आपको दिखाई नहीं देता। संत को दोष दिखाई नहीं देता,
क्योंकि उसके भीतर है ही नहीं, उसके भीतर कौन है? जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। मैं तो कहता हूं यही परीक्षा अपनी रोज लो, अगर आपको दोष दिखाई देता है तो समझ लो कि आपके भीतर है। आपको कभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि साल दो साल के बच्चे के सामने अगर कोई स्त्री पुरुष कोई 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 काम क्रीड़ा करते हो तो उस बालक के मन में कोई दोष थोड़ी आता है, क्योंकि बालक का उस वस्तु से परिचय ही नहीं है, बालक का उस भाव से कोई परिचय नहीं है, बालक के अंदर वो कुछ है ही नहीं, तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। जो दोष आपके भीतर है वही आपकी दृष्टि में आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, और वो इसी को अपनी चतुराई समझते हैं। वो सोचते हैं कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है हमारी। बुद्धि तो तीक्ष्ण है पर काट अपना ही गला रही है। ये बुद्धि तो तीक्ष्ण है ही पर इससे अपना ही गला काटा जा रहा है। ये तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना है। ध्रुवदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, कहते मूरख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पर दोष दर्शन से कितनी भयंकर हानि होती है। मैं तो केवल एक ही बात का विचार करता हूं और सोचता हूं कि भाई पहली बात तो नवधा भक्ति के क्रम में भगवान ये बात कह रहे हैं, स्वयं प्रभु ने ये बात कही। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। फिर आठव जथा लाभ संतोषा, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोष। भगवान कह रहे हैं, बोले ये काम तो सपने में भी नहीं करना। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। जैसे कभी आप अपने बालक को समझाते हैं ना, तो स्थिति की भयंकरता का बालक अनुमान नहीं लगा पाता है, तो आप कहते हैं कि बेटा ये काम तो कभी भूल के भी नहीं करना, ये काम तो कभी सपने में भी नहीं करना। मैंने तुम सोच नहीं सकते इससे कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसे साधक को कितनी बड़ी हानि है पर दोष दर्शन से, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। सच में ऐसा ही है कि मूरख पर्वत पाप को ले चले हो अपने साथ। ये तो अपने अंतर बाहर को कलुषित कर लेना है, अपने आप को मैला कुचैला, जैसे कूड़े का ढेर कहीं पड़ा हो आपने उठाया और अपने सिर डाल लिया, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुद्धिमान आप तब हैं जब आप बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं, और बुद्धि का सदुपयोग क्या है कि अपने दोष का दर्शन करके फिर उसको स्वीकार करना। कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी अपनी गलती देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए। अपने अपने दोष को स्वीकार करने के लिए भी आत्मबल चाहिए। आप मान ले कि हम मुझ में ये कमी है, मुझसे ये भूल बार बार होती है, पर ध्यान रखना भूल सुधारने की दिशा में उठाया जाने वाला ये सबसे पहला कदम है, अपनी भूल को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि मुझ में ये गलती है। अच्छा फिर इससे एक कदम आगे चलो, कुछ मान भी लेते हैं लेकिन वो केवल कहते कहते भर है, वो अंदर से उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते, इसको दंभ कहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे ही अपनी दीनता का रोना रोते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। अरे ऐसे वैसे हो तो साथ में प्रभु ने जो योग्यता दी है अपने दोष के मार्जन का प्रयास करिए ना, तब तो लाभ हुआ अपने दोष को पहचानने का। ये तो कभी कभी व्यक्ति ऐसा ही होता है बस, वेरी शैलो, बहुत बहुत छिछला सा, देयर इज नो सब्सटेंस, उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई तत्व नहीं है, ऐसा जीवन होता है बहुत सब लोगों का, दिखता हूं मैं। गलती स्वीकार करिए, स्वीकार करने से क्या होगा, स्वीकार करने से क्या होगा, प्रकृति प्रसन्न होती है, फिर वो आपको बल देती है उसको दूर करने का, फिर आप अपने भीतर शक्ति पाते हैं अपने दोष के मार्जन की। तो बुद्धि को ऐसे लगाइए, इस काम में लगाइए, पहले अपना अपना दोष देखिए। अभी तीन चार दिन पहले की बात है,
जब मैंने आपसे ये कहा था ना कि गुरु पूजा के दिन आप आते हैं तो पूजा तो आप सबकी होनी चाहिए, हम तो भाई रोज जैसे ही होते हैं, तो किसी ने मुझे कल, हाँ कल परसों की बात है, किसी ने मुझे लिखकर भेजा कि बोले आप बार बार ऐसा कहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। जे मैं वेखा औगुण अपने, कुछ ना मेरे पल्ले, कुछ ना मेरे पल्ले। इसलिए आपसे मैंने कहा था भाई हमारे जीवन की किताब का कोई भी पन्ना पलटो, एक ही बात है, प्रभु की कृपा है, साहेब मेरा मेहरबान, बस प्रभु की कृपा का उत्सव मना रहे हैं हम। तो अपनी ओर देखें तो आज भी निराश ही हैं, प्रभु की कृपा है। और सत्य में ऐसा ही है कि न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रिझ जाते हैं। संत कहते हैं ना, जाने हरि क्यों कर रति माने, जाने हरि क्यों कर रति जाने, मतलब काहू पे श्रम बहुत करावे और काहू की बात सहज में माने। ऐसा समझ लो कि हमारी बात सहज में मान ली बस। और हम चाहते हैं, मैं तो कम से कम यही चाहता हूं कि जब तक ये शरीर है तब तक बुद्धि का सदुपयोग होता रहे, सदुपयोग होता रहे। अनंत अनंत दोषों की खान हम हैं, उन दोषों के मार्जन का निरंतर प्रयास होता रहे। हमारे प्रयास से मार्जन हो जाएगा मैं ऐसा नहीं कहता, हम प्रयास करते हैं और मार्जन हो जाता है ऐसा नहीं है, पर हमारे प्रयास को देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि बच्चा दौड़ की प्रतियोगिता जीतकर गोल्ड मेडल लेकर आता है, माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है, होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को उससे कहीं अधिक प्रसन्नता तब हुई थी जब गिरते पड़ते बालक ने पहला कदम रखा था। जब बालक चलना सीखता है ना, जब पहला कदम रखता है, तब तो आप माता पिता की खुशी का अनुमान नहीं लगा सकते। देखते बनती है उनकी प्रसन्नता, मिठाई बांटी जाती है कि भाई आज बालक ने चलना सीखा है। ऐसे जब कोई गिरता पड़ता ईमानदारी से प्रभु की ओर चलने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है तो प्रकृति प्रसन्न होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता है इसमें। कर तो जीव कुछ नहीं सकता भाई, कर तो आप और मैं कुछ नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा ही सही मगर प्रयास रखिए, प्रयास करते रहिए। और प्रयास क्या करना है कि गुरु की वाणी के अनुसार, गुरु के भाव के अनुसार हमको अपना मन बनाना है। और हमारे लिए गुरु आज्ञा क्या है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सो। अरे गुरु का दर्शन संचौ हरिधन, नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा, नाम जप ले निमाणिए जिंदे कि ओखे वेले कम आएगा, सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया, उस सतगुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन्ने पार लंघना, सतगुरा ने जहाज बनाया कि आओ जिन्ने पार लंघना। कहते हो उत्तम मति मेरे हृदय तू आओ, ध्यावऊ गावऊ गुण गोविंदा, ध्यावऊ गावऊ गुण गोविंदा, अति प्रीतम मोहे लागे नाम, अति प्रीतम मोहे लागे नाम। ऐसी उत्तम मति, इसी को सेवक जी ने कहा, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश,
बुद्धि सबके पास में है, वैसे ये बात है कि किसी की अंधकार ग्रस्त है और किसी की बुद्धि में गुरु की कृपा से विमल विवेक का प्रकाश हो गया है। अब भाई अंधेरे में कोई कितना भी बुद्धिमान आदमी चले, ठोकर तो लगेगी ना, गिरने का भय है, पग पग पे भय है। जिसकी बुद्धि में अंधकार है वो आज नहीं तो कल गिरेगा, उसको चोट लगेगी, वो गिरेगा, उसका पतन होगा। उत्तम मति, और उत्तम मति क्या है? ध्यावो गावो गुण गोविंदा, ध्यावो गावो गुण गोविंदा, अति प्रीतम मोहि लागे नाम, अति प्रीतम मोहि लागे नाम। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, प्रीति सहित यह नाम कहाई। नाम जप में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा अनुराग हो जाए, नाम हमको हमारा सच्चा साथी प्रतीत होने लगे कि नाम सच्चा साथी है। कौन रह सकता है सदा अंग संग, दुख में सुख में, भोर में सांझ में, भीड़ में एकांत में, कौन है जो सदा हमारे संग रह सकता है? नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। मुझसे कोई पूछे ना कि आपको नाम जप से क्या मिला, कोई पूछ सकता है कि आप ये नाम जप की इतनी महिमा आप कहते हो, नाम जप की महिमा क्या? मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं, ये अनेक अनेक बातें एक ही बात कहने के लिए हैं, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। मैं तो कुछ और कहता ही नहीं आपसे, एक ही बात कहता हूं बार बार। मुझसे कोई पूछे ना क्या मिला है, तो मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा, तृप्ति। नाम ने अपनी कृपा से भीतर बाहर भर दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारा मन शुद्ध हो गया है, हमारा मन निर्मल हो गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा मिला है कि अब कुछ और नहीं चाहिए, अब किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। अब ये भजनानंद है, ये प्रभु की कृपा है, ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो जो अनुभव कर रहा हूं बस वो आपसे कह रहा हूं। कुछ ऐसा मिल गया है, अब कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यही बात गुरु साहब कह रहे हैं, तृप्त अघावन साचे नाई, तृप्त हो गए। जैसे कोई अघा जाए ना, छक जाए, फिर तृप्त हो गए। किसकी कृपा से? सतनाम, सच्चे नाम की कृपा से, उस सच्चे का जो नाम है ना। और सत्य कौन है? सत्यम परम धीमही, जो सत्य है उसका जो नाम है, कह रहे उस सत्य नाम से तृप्त हो गए। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता का अगर कोई परम फल हो तो वो यही हो, जहां ही लहे कछु लयन की चाह न ही में होए, इसको लेकर कुछ और लेने की इच्छा ना रहे। और ये भीतर जो अग्नि है, वो अग्नि किसकी है? वो ना वस्तु की है, ना व्यक्ति की है, इच्छा की अग्नि में जलता है जीव, जन्म जन्म से जल रहा है, इच्छा की अग्नि है। उसको गुरु की कृपा दृष्टि, नाम की अमृत वृष्टि सदा के लिए बुझा देती है। त्रिपित अघावन साचे नाई, अठसठ मंजन संत धुराए। और कह रहे जिसने संत की चरण धूल में स्नान कर लिया, उसने 68 तीर्थों में स्नान कर लिया। मैं तो कहता हूं ना आपसे, बार बार कहता हूं कि आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो, आप पुण्य स्नान करने के लिए जाते हो, आप शुभ दान करने के लिए जाते हो। मेरी इच्छा तीर्थ की होती है तो मैं तो ऐसी किसी संत की वाणी में गोता लगा लेता। तेरी शरण
सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल हुए, संता दूरे मन निर्मल हुए संता दूरे। और जो आप आज मैंने आपसे कहा ना, ये प्रयोग आप करके देखना, एक बार देखो तो सही हमारा मन कैसा है। मन में उठने वाले संकल्पों विकल्पों का एक बार हिसाब किताब, एक दिन, आधा दिन, उससे भी थोड़ा कम, देखना मन की सहज गति का है, कैसी हमारी बुद्धि है। इसी को कहते हैं कुंठित बुद्धि, दोष दर्शन कर रही है, प्रभु को न देखकर गुण दोष का विचार कर रही है, यही कुंठित बुद्धि, बुद्धि की कुंठा है, यही बुद्धि का अंधकार है। कल भी आपको मैंने निवेदन किया था, आपको प्रभु ने जो शक्ति जो बल दिया है उसका सदुपयोग यही है भाई, यही है कि गुरु के शब्द बनावो यही मन। अब देखो सन्मुख ठाकुर जी का सुंदर दिव्य श्री विग्रह हो, और निकट ही किसी कारण से, किसी की भूल से कोई कचरे का कण पड़ा हो, आप प्रभु को छोड़कर उसको देखें तो ये क्या है? यही बुद्धि की कुंठा है, यही अविवेक है, यही अज्ञान का अंधकार है। तभी तो भगवान कहते हैं, कह रहे जो लगे रहते हैं ना मेरे भजन में, मेरे चिंतन में, फिर मैं उनको देता हूं ददामि बुद्धि योगम तम, क्या देखना है वो ये जान लेते हैं, क्या देखना है। ये बात बड़ी नहीं है, कैसे देखना है पहले ये जान लीजिए, देखना क्या है, हमको देखना क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आज की चर्चा से हमारे हाथ आता है, कि ये जो किसी ने प्रश्न किया कि बुद्धि का उपयोग फिर है क्या। महाराज जी आज किसी ने पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि द्वंद में डालती है, फिर बुद्धि प्रभु ने दी क्यों है, बुद्धि का सदुपयोग क्या है। बुद्धि का सदुपयोग है कि अपने गुण दोष का विचार करके अपने गुण का विकास किया जाए, अपने दोष के मार्जन का प्रयास किया जाए, इसलिए बुद्धि मिली है। और वो ही बुद्धिमान है जिसने अपनी बुद्धि से ये कार्य कर लिया है, चुन लिया उसने अपने दोष को, जान लिया, स्वीकार कर लिया और फिर लग गया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने प्रयास से अपने दोष का मार्जन कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से प्रभु की प्रसन्नता होती है, और प्रभु की प्रसन्नता हो फिर क्या पाना असंभव है। बड़ी प्यारी बात मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताही न व्याप त्रिविध भव सू। प्रभु प्रसन्न हो जाए, अरे जितना सब साधन वेद शास्त्र पुराण में है, जो कहा गया और जो कहा जाएगा, उस सब साधन की अंतिम सिद्धि क्या है, प्रभु की प्रसन्नता ही तो है। और केवल भजन का प्रयास करते हुए जीव को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और आप मान लेना मेरी बात, यथावत मान लेना, इसी में प्रभु की प्रसन्नता है। श्री हरिलाल व्यास जी रसकुल्ला की टीका में यह बात लिखते हैं कि जब सहचरियां यत्र तत्र दौड़ती भागती रहती हैं, उन सहचरियों के मन में एक ही भाव हिलोरा लेता है कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हों। अरे वो जितनी संपदा है, उस संपदा की एकमात्र एक छत्र स्वामिनी तो श्री प्रिया जी हैं, प्रभुत संपदा लय। और जो सहचरियों का गुण है, जो उनकी विशेषता है, जो उनका वैशिष्ट है, वो सब भी किसका प्रसाद है, वो भी श्री प्रिया जी का ही प्रसाद है। सहचरियों को जो सिखाया है वो किसने सिखाया है, स्वयं च सकला कला सु कुशली कृता न कदा, वो सब श्री प्रिया जी की कृपा है। वहां जो सब है वो उन्हीं का ही तो कृपा विलास है। पर जो वो सहचरियों की दौड़ भाग है ना, वो निरंतर लगी है, उनका निचिंतन निरंतर क्या है कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हो। वो विचार करती है, भाई अब क्या सेवा करें, अब कैसा श्रृंगार हो, अब कैसा भोग हो, कैसा राग हो,
जो उनका ये विचार है ना, मैं यही प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का कारण है। इसको देख देख कर प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं, जो उनके उनके हृदय में जो भाव हिलोरा लेता है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ये कहते थे जो लालसा है, जो व्याकुलता है, ये उत्कट पुरुषार्थ है, ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है, उत्कट पुरुषार्थ है। ये जो भगवत मिलन की जो व्याकुलता है, छटपटाहट है, ये जितनी वाणियां मैं यहां से गा रहा हूं, ये सब भगवत विरह जन्य व्याकुलता का ही तो प्रसाद है। जब कोई छटपटाता है तो उसके रोम रोम से कुछ कुछ प्रवाहित होता है, उसकी चेतना से कुछ निस्सृत होता है। जो लोक को पावन करने वाला है, लोक का मंगल करने वाला है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने जो ये गीत गाया, ये जो गोपियों ने जो प्रभु के विरह में जो गीत गाया ना, श्याम घन कब बरसोगे, कैसे रोते रोते गोपांगनाएं कालिंदी के कुल पर, हा श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे गोविंद, यहां यहां दौड़ती हैं, वहां वहां जाती हैं, एक एक तरु लता से पूछ रही हैं। कैसा सुंदर वर्णन नंददास जी रास पंचाध्याय में करते हैं, कह रहे गोपियों ने इस भाव दशा में ये जो गाया है, ये जो गीत गोपांगनाओं ने गाया है, कह रही लोक का मंगल करने वाला है, त्रिभुवन को पावन करने वाला है। छटपटाहट जो है, क्षमा करना, हमारे जीवन में थोड़ी बहुत इच्छा तो है ठाकुर जी का भजन करने की, लेकिन अभी वैसी तड़प नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, अभी तो हमारा काम चल रहा है, समय पर भूख लगती है, नींद भी आती है, अभी तो सब हो रहा है, अभी तो देह के धर्म में ही, अभी तो देह के पालन करने में ही हमारी गति मति है। वो जब देहाध्यास छूट जाता है, जब 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 आपको ये बोध हो जाता है, इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था कि भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानी अर्थात जिसको ये खबर पड़ गई कि मैं देह नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, प्राण पिंजरे में कैद मन, एक प्रेमी भक्त कहता है मैं कौन हूं, कैसा हूं, प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास, प्राण इस देह के पिंजरे में कैद है, मन सांवरिया के पास, सांसों की ये नाव पुरानी, सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास। इसी इसी व्याकुलता को, इसी लालसा को प्राप्त करना है। जिस दिन आप भूल जाओ, जिस विस्मृति हो जाए देह के धर्म की, कैसे होगा ये स्थिति, कैसे आएगी, और आएगी तो क्या सदा रहेगी? ध्यान रखना, अगर भजन के मार्ग पर चलोगे तो कुछ कुछ क्षण आएंगे पहले ऐसे, ये स्थिति आकर स्थिर हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, पहले कुछ कुछ क्षण आएंगे। हो सकता है कभी कभी एक क्षण भर के लिए, आधे क्षण के लिए आपको इस स्थिति का अपने भीतर अनुभव हो, वो भी कब, जब आप ईमानदारी से निरंतर सतत लगे हो प्रयास में, आपको ऐसे क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा। क्यों क्यों नत हुए जीव गोस्वामी पाद श्री मीरा जी के सन्मुख। मीरा जी ज्ञानी भक्त हैं, अगर ज्ञानी न होती, अगर श्री मीरा वाईसा ज्ञानी न होती तो श्री जीव गोस्वामी पाद को ये उत्तर कैसे देती। जब जीव गोस्वामी पाद ने ये कहा कि मैं स्त्री का दर्शन नहीं करता, तो मीरा जी ने कहा पुरुष से मिलने तो मैं भी नहीं आई, मैं भी किसी पुरुष से मिलने नहीं आई। और जब चलने लगी ये कहकर कि मैंने तो यही सुना और जाना था गुरुजनों की कृपा से कि परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी, तब जीव गोस्वामी पाद को लगा भाई ये जो द्वार पर जो कोई खड़ा है, ये जो शब्द है, ये किसी ज्ञानी भक्त के शब्द हो सकते हैं, तब दौड़ कर आए। और जीव गोस्वामी पाद की महानता भी देखिए, कथा कहती है कि मीरा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि मेरे द्वार पर कोई स्त्री नहीं, मूर्तिवंत भगवान की भक्ति खड़ी है। तो थोड़ी देर के लिए लगेगा आपको, कितनी बार हमने कह सुन लिया कि भाई श्री जी की सेवा में कोई स्त्री पुरुष नहीं जा सकता है, केवल सहचरी ही जाएगी। कौन है वो सहचरी,
देहाध्यास से बहुत दूर एक नगर है जिसको सूरदास कहते हैं, चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। दूर एक नगर है, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। देहाध्यास से बड़ी दूर, इसीलिए गाने वाले ने गाया है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कौन सी नगरी दूर है? आज तो बाहर भाई इतनी व्यवस्था, इतना विकास हो गया है, कुछ भी दूर नहीं है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप एक दिन में पहुंच जाओ, कुछ भी तो दूर नहीं है। ये कौन सी नगरी है कि देहाध्यास से दूर कोई स्थिति है? कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। आज ये बात ध्यान से सुनना, ये बड़ी गंभीर बात है कि ऐसा बहुत छोटा सा अनुभव आपको कभी होगा भजन की कृपा से, वो भी कब? जब आप लगे हैं, जब भजन का प्रयास सतत हो रहा है, निरंतर हो रहा है, नियम से। नियम तो एक ही रखना है भाई जीवन में, और कोई नियम नहीं कहता, मैं सुबह शाम के नियम से नहीं बांधता किसी को, एक ही नियम रखना है। और नियम यही है कि कोई विश्वास नाम के बिना नहीं जाए, यही नियम हो हमारा, बस सब इसी में हो जाएगा, सब इसी से हो जाएगा, किसी और नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई कानून नहीं चाहिए, बस नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। आप लगे रहोगे नाम में, नाम क्या करेगा? कबीर जी की वाणी कह रही है ना, कह रहे नाम अकेला रह गया, होते 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 मैं भी मिट गया, एक मन निर्मल भया और नाम अकेला रह गया, एक नाम रह गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। इस सत्र की चर्चा के प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था, कब तक इसी सुख दुख के द्वंद में आप पड़े रहोगे, कब तक ये झूला झूलते रहोगे? होने दो जो होना है, कुछ न कहो, कुछ न सोचो, कुछ न विचारो। आपकी सोच, आपका विचार, आपका भाव, आपका संकल्प बस केवल एक हो, दो चार साल पहले की बात है, वो एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, मैंने भी देखी थी। तो उसमें एक दृश्य था कि पेशवा बाजीराव गए दक्कन के नवाब से मिलने, और नवाब ने पूछा आपको चाहिए क्या, और बाजीराव जवाब देते हैं कि सारा हिंदुस्तान। नवाब पर कहता है, बोले नहीं पर नहीं, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, सारा हिंदुस्तान। ऐसे में तो कहीं भी कुछ देखूं पढ़ूं अपने काम की बात ले लेता हूं, मिल भी जाती है। तो दो चार बरस पहले की ये बात है, तब मुझे लगा था कि हाँ भाई एक ऐसी स्थिति हो जहां चलते चलते भजन की कृपा से हम वहां पहुंच जाए, जहां हमारे तन मन प्राण एक ही बात कहें कि प्रभु आपसे कम और कुछ नहीं चाहिए, अब जब लेंगे आपको ही लेंगे, आपसे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप आज मिले, महाप्रभु तो कहते हैं किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। महाप्रभु कह रहे कोटि कोटि जन्मों में भी हमारी आशा इसी वृंदावन की भूमि में बनी रहे, कि जब मिले आप मिले। हम ये नहीं कह रहे कब मिले, आज मिले। आज तो क्या है ना, सब लोग हाईटेक हो गए, मंत्र लेने वाला भी, मंत्र देने वाला भी,
वो भी कहता है 2-3 साल में पहुंच जाओगे निकुंज में। जिनसे मैंने संगीत सीखा, कुछ समय शिक्षा पाई मैंने, प्रज्ञा चक्षु थे और संगीत के बड़े विद्वान थे, तो उनसे अगर आकर कोई ये पूछ लेता था ना कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, तो उसको नहीं सिखाते थे। बोले तुम्हारे लिए नहीं है ये विद्या तुम्हारे लिए है ही नहीं कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा। तो कोई ये पूछे कब मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे, भाई ये सब प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास नहीं है। भगवान से मिलना मिलाना तो भाई हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है ना, कैसे हम आपको कह दें ऐसे मिलेंगे या वैसे मिलेंगे। वो तो परम तंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जब चाहे जिससे चाहे जैसे चाहे वैसे मिलेगा, हम क्या कहें। हमसे तो ये पूछो कि प्रभु से मिलने की इच्छा कैसे मिलेगी, भगवान कैसे मिलेंगे ये हम नहीं जानते। किसी को कैसे मिल सकते हैं, किसी को कैसे मिल सकते हैं, अभी आपसे यही तो कह रहा हूं। संत कहते हैं बोले जाने हरि क्यों कर रति जाने, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया वो किस पर प्रसन्न होते हैं। काऊ पे श्रम बहुत करावे, कोई बेचारा कई कई जन्म एक टांग पे खड़ा हाथ ऊंचा किए और जाने क्या क्या कर रहा है, नहीं देखते उसकी ओर। काऊ पे श्रम बहुत करावे और काऊ की बात सहज में माने, उनको कोई कुछ कह तो नहीं सकता है भाई। तो हमसे ये प्रश्न पूछना तो व्यर्थ है, ये पूछिए प्रभु से मिलने की इच्छा कैसे मिले। तो ऐसे छोटा सा संस्मरण मैंने आपको सुनाया, वो एक शब्द जब मैंने सुना कि उसने दक्कन के नवाब की आंख में आंख डालकर कहा, बोले सारा हिंदुस्तान चाहिए, और नवाब ने कहा पर, उसने कहा नहीं पर नहीं, इससे कम हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं लेंगे, लेंगे तो यही लेंगे। तब मुझे लगा मैंने कहा हाँ भाई ऐसा मन हो जाए किसी दिन, ऐसा मन हो जाए किसी दिन, ईमानदारी से भीतर बाहर सब सब दौड़ भाग छोड़कर मन बस एक यहां पर आकर अटक जाए कि प्रभु अब तो जब मिले आप मिले। और मेरी मेरी बुद्धि से, मैं अल्प सी बुद्धि से ये बात निवेदन कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में चेतना का परम विश्राम बस यही इच्छा ही है, भगवत मिलन की, केवल भगवत मिलन की, विशुद्ध भगवत मिलन की जो ये इच्छा है, यही चेतना का विश्राम है, जिसको महाप्रभु कह रहे वृंदावन विश्राम। कितनी सुंदर बात भोली सखी कहती हैं, वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में, गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी, नवल किशोरी यो सोधली जो नवल किशोरी। चलो दो पंक्तियां तो गाओ, यूं सुध लीजो नवल किशोरी, यूं सुध लीजो नवल किशोरी, यूं सुध लीजो नवल किशोरी, यूं सुध लीजो नवल किशोरी। वृंदावन की ललित लतन ललित लतन में, गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी,
संत कह रहे अठ सठ मंजन संत धुराई त्रिपत अघावन साचे नाई। अच्छा, वेद जब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो कहते प्रभु कैसे हैं एक साथ, अणो अणोरणीयान महतो महीयान, कह रहे हो एक साथ ही वो छोटे से छोटा भी है बड़े से बड़ा भी है। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, कह रहे वो सबसे नया भी है और वही सबसे पुराना भी है। वो सबसे पुराना है और वो रोज नया है, वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम ही तो प्रभु है, प्रेम ही परम है। ऐसी प्रेम का स्वरूप भी ऐसा है जिसमें एक साथ कभी ना बुझने वाली प्यास भी है और पूर्ण तृप्ति भी है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। लाल त्रिषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, और पिवत पिबावत रसिक दो नेक न मानत हार। युगल कैसा है, युगल स्वरूप कैसा है, लाल त्रिषा को सिंधु है प्यास, और प्रिया उदय दिशु कुमार एक देते देते नहीं अघा रहा है, एक पिलाते पिलाते नहीं अघा रहा है, एक पीते पीते नहीं अघा रहा है। अब देखो रसिक जन क्या कहते हैं, कह रहे पीव प्यारी, हम प्रेम से लाड़ से कहते हैं ना प्रिया प्रीतम को पीव प्यारी। लाल जी कहते प्यारी प्यारी प्यारी, समझे प्यारी प्यारी, और प्रिया जी उत्तर देती है पिऊ पिऊ पिऊ। ऐसा ही प्रेम है, पूर्ण तृप्ति है ना, जा ही लहे कछु लैन की चाह नहीं हमें हुए। और जीवन के रहते इच्छा समाप्त हो, इसी का नाम मोक्ष है। जब जीवन रहते इच्छा समाप्त हो जाए, बुद्ध जन कहते हैं इच्छा के रहते जीवन समाप्त हो गया तो मर गए, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई है तो जन्म होगा, माने जो इच्छा बच गई है वो फिर लेकर आएगी। ये तमाशा हो क्या रहा है, सबके मन की इच्छाएं ही पूरी हो रही हैं बस, अपने मन के लुके छिपे संकल्प हैं जो पूर्ण हो जाते हैं। एक जन्म में नहीं होते तो अनेक जन्म में होते हैं। क्यों श्री प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और हमको वर देना चाहते हैं तो फिर हमको ये दीजिए कि आपके अतिरिक्त हमारे मन में कोई इच्छा ना हो, क्योंकि हम जानते हैं संसार का मूल इच्छा है, संस्कृति का मूल ही इच्छा है, संसार की इच्छा ही संसार का मूल है। इच्छा समाप्त,
तो मान लो आपने जड़ काट दी वृक्ष की, अब वो फल फूल नहीं सकता। संस्कृति का मूल ही इच्छा है, यही तमाशा हो रहा है। तो कह रहे जीवन हो और इच्छा समाप्त हो जाए, तब तो मुक्ति हुई। मुक्ति के बाद जन्म नहीं है, मृत्यु के बाद जन्म है। द्वंद जन्म और मृत्यु का है। मुक्ति के बाद जन्म नहीं है, मोक्ष के बाद जन्म नहीं है। और फिर उत्तर दे रहा है कोई कोई अनुभवी महापुरुष, कह रहा है ये मोक्ष कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा? कह रहे ना, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, मरने के बाद तो पुनर्जन्म मिलता है। कान लगाकर सुनना, मरे तो पुनर्जन्म होगा। इच्छा को लेकर मरे हो तो लौट कर आना पड़ेगा। इसी को कहा है कबीर जी ने, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम, जीते भेटिए। जीते 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 आप देखो इच्छा समाप्त हो गई। आपने महाराज जी मुझे वो प्रसाद दिया, उसकी मैंने अभी केवल भूमिका ही पढ़ी, पर वो जो एक पंक्ति मैंने पढ़ी, और ये उद्घोषणा करना सरल नहीं है कि जब श्री देव की माता जी ने ये लिखा कि मेरा काम तो हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये कहना बहुत बड़ी बात है। जब कोई जीते जी ये कह दे कि भाई मेरा काम हो गया, इसके लिए वास्तविक उपलब्धि का आधार चाहिए। जब कोई कह दे कि हाँ भाई हमारा काम हो गया, जैसे जैसे कबीर जी ने कहा ना, हम तो बच गए, जीते जी तो कह रहे हैं, उसके बाद भी जिए कबीर, और कबीर जी ने तो बड़ी लंबी आयु पाई। कबीर जी तो बहुत दीर्घ आयु प्राप्त संत हुए। कबीर जी की वाणी ही बताती है कहां तक गए कबीर जी। कह रहे मांस गया पिंजर रहा, कह रहे हमारे शरीर का मांस सूख गया, मांस गया पिंजर रहा ताकन लागे काग। कह रहे साहेब अजहू ना आईया सखी मंद हमारे भाग। इतनी लंबी आयु कबीर जी ने पाई, पर कह रहे गर्जना करके कहते बोले हम तो बच गए साहेब कृपा से। चमत्कार देखना है तो फिर ये चमत्कार देखो, ये चमत्कार है कि पाप जहां पारा सर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ऐसे संसार में, ऐसे घोर संसार में श्रीमद् भागवत कहती है क्या है संसार, संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। अति दुस्तर, महाराज वाणी में कह रहे हैं कि अग्नि का सागर है। ऐसे संसार में आकर और कोई ये बात कहे बोले हम तो बच गए साहेब कृपा से, मेरे नेत्र सजल हो गए। महाराज जी वो पंक्ति पढ़कर जब उन्होंने कहा कि मेरा काम तो हो गया, ये जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण है। मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूं, ये जीते जी आप देखें स्वयं को मुक्त होता हुआ, ये देहाध्यास छूटता आप देखें, आप तब आपको वास्तविक स्वास्थ्य का अनुभव होगा। लंबे समय से पड़ा रोगी जब स्वस्थ होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी अमृत पीकर आया हो। उसकी जो प्रसन्नता होती है ना, जब बड़े लंबे रोग के बाद कोई स्वस्थ होता है, वो जो उसकी प्रसन्नता है वो अवर्णनीय है। ऐसे ही जन्म जन्म के भव रोग के बाद जब कोई गुरु की कृपा से स्वस्थ होता है, ये उसके शब्द हैं। हमारा काम तो हो गया। ये जो मैं यहां से बार 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 आपसे कहता हूं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, कुछ ना करो, सारी शक्ति आप नाम जप में लगाओ। नाम की ही कृपा से जो थोड़ा अनुभव मुझे हुआ, उसी का आश्रय आधार लेकर कहता हूं भाई हमको कुछ मिला कि नहीं मिला ये तुम नहीं जानते, पर नाम की कृपा से हमको तृप्ति लाभ अवश्य हुआ। नाम जप की कृपा से हमको तृप्ति मिली, मन मन मर नहीं गया पर मन भर गया। मन मरा नहीं पर मन भर गया आनंद से, आनंद से।
इसलिए बार बार जुड़ जाते हैं हाथ, सहज में जुड़ जाते हैं, झुक जाता है मस्तक प्रभु की कृपा का अनुभव करके, गुरु की कृपा का अनुभव करके। मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह, और ये जो भाव है, ये जो अनुभव है, आप मानना ये संजीवनी है, ये संजीवनी है, ये उपलब्धि है, ये भव रोग की औषधि है। तो यहां कह रहे हैं कि तृप्त अघावन साचे ना हो, कह रहे उस सच्चे के नाम से तृप्ति हो गई। और फिर कह रहे हैं 68 मंजन संत धुराई, कह रहे सब तीर्थ हो गए जिसने संत की चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर ली। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल हुए संताधूरे, मन निर्मल हुए संताधूरे, मन निर्मल हुए संताधूरे, मन निर्मल हुए संतातुरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख किया मैंने कि आप मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि है, पुरुषार्थ करने की क्षमता है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बिगाड़ो, लेकिन वो जो नित्य सत्य वस्तु है उसकी अनुभूति बिना संत बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं। ये काम तो एक ही रास्ते से होगा और वो मार्ग है सत्संगति का मार्ग। आप जितना संतों के चिंतन के निकट जाएंगे
आपकी श्रद्धा सत्संगति में बलवती होती चली जाएगी। सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी विवेक के अभाव में उसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता। श्री शरणानंद जी महाराज एक बात कहते थे, बोले क्रिया आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है, कह रहे क्रिया आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें सद्भाव ना मिलाया जाए उसका फल कभी तृप्त करने वाला नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी जब तक आप जो कर रहे हैं उसमें सद्भाव नहीं मिलेगा। ये जो हमारे महाप्रभु जी ने पहला शब्द कहा सबसो हित, इसका अर्थ यही है कि हम जो भी करें हमारे किए जाने वाले हर छोटे बड़े कार्य में सद्भाव मिला रहे, सद्भाव बना रहे। मुझसे कोई आकर पूछे ना इतना सब आप कहते हो, दो शब्दों में सीधी सी कोई बात बता दो, तो मैं कहूंगा हरि को भजन और साध की सेवा। बस हरि का भजन और साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। बस, और ये मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि बहुत प्रतिभा संपन्न लोगों से मैं मिला हूं हर क्षेत्र में, वो कला हो वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में मैं बहुत प्रतिभा संपन्न लोगों से मिला हूं, पर ये बात मैंने देखी कि जब तक आप जो कर रहे हैं जब तक उसमें परमार्थ का भाव नहीं मिलेगा, जब तक उसमें आप सद्भाव नहीं घोलेंगे, तब तक उससे कुछ भी मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, पर उससे तृप्ति और शांति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिलेगी। आप दौड़ते रहोगे, आप भागते रहोगे, छोटे से छोटा व्यक्ति भी भाग रहा है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भाग रहा है, कोई साइकिल में भाग रहा है, कोई जहाज में भाग रहा है। एक बार एक आदमी रेल में भाग रहा था, रेल के भीतर ही भाग रहा है। किसी ने पूछा क्यों भाग रहे हो, बोले मुझे थोड़ी जल्दी है मुझे। अब कोई उससे पूछो, रेल के भीतर भाग रहा है क्यों, बोले हमको जल्दी है, हमको जल्दी पहुंचना है। हंसिए मत, ऐसे विषय का चिंतन और विषय का सेवन करते करते सद्भाव के अभाव में ऐसे ही बुद्धि जड़ होती चली जाती है। आप ये मत समझना कि कुछ भी यहां ऐसा है जो आपको ये लगे भाई हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। सत्संगति के अभाव में कोई भी ऐसी मूर्खता, ऐसी जड़ता कर सकता है, करता ही है जीव। हमको तो ना कोई सुख देने वाला है ना दुख देने वाला, हमारे सुख दुख का विधान तो हमने स्वयं ही किया है, हमने ही किया है, हम ही करेंगे। हमने जब जब बाधित की है अपनी गति, स्वयं ही तो बाधित की है, अपने पांव पर हमने ही कुल्हाड़ी मारी है। इसलिए मैंने कहा कोई एक पंक्ति में मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा हरि को भजन, प्रभु का भजन करिए, संतों का संग करिए, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दाया। एक पंक्ति बस पर्याप्त है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सब तीर्थ हो गए, सब धर्म हो गए, सब विधियां हो गई, इतना कर लीजिए, इसमें निष्ठा रखिए। धूल जमेगी, धूल भरी आंधी चलेगी, आंख वाले आदमी को भी नहीं दिखता जब धूल भरा तूफान चलता है, तो आंख वाला आदमी भी तो नहीं देख पाता ना जब धूल भरी आंधी चलती है। ऐसे ही काल क्रम से, कभी कभी प्रकृति के क्षोभ से ऐसे धूल भरा बवंडर चलता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा समय साधक के जीवन में बार बार आता है, आता रहेगा। कौन बनाए रखेगा आपको सदमार्ग पर? सदचिंतन, सदविचार कहां से मिलेगा? सत्संग से। अपना सर्वनाश करा देने के लिए एक विचार पर्याप्त है, एक विचार, एक विचार, एक संकल्प। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा ना, जैसा आपका विचार, आपका संकल्प होगा, उसी तरीके की शक्तियां आप अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
मनोविज्ञान ज्ञान सब इस बात को मानते हैं, आप वैसा ही कुछ अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बोलचाल की भाषा में बड़े लोग ऐसा कह देते हैं, कह रहे जैसे को तैसा मिले, और कर कर लंबे हाथ चोर को चोर मिल जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? अच्छा, और देखो उनको ढूंढने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मुश्किल से तो संत मिलता है भाई, संत मुश्किल से मिलता है, साधु का संग मुश्किल से मिलता है, बाकी तो सब आराम से मिल रहा है। कह रहे कर कर लंबे हाथ, जैसे को तैसा मिले, और ये कुछ नहीं है, सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, तो स्कूल कॉलेज के बच्चे मान लेते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बात पहले से जानते ही थे, बोले जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, कोई आपसे पूछता है क्या कर रहे थे, आप कह रहे हो नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं नहीं आप कुछ कर रहे थे, वो जो आप सोच रहे थे ना वो कुछ रचने लगता है आपके चारों ओर, एक विचार से पतन हो जाता है, एक विचार, और ऐसे ही एक विचार से उत्थान भी हो जाता है। संतों के तो एक शब्द से पतन के गर्त में पड़े हुए जीव का उत्थान हो गया, संतों ने एक शब्द सुनाया। तो यहां विराम के क्षणों में इतना ही मुझे आपको कहना है कि जब तक सदा सर्वत्र भगवद अनुभूति न हो, नागरीदास जी पहली बात कहते हैं जब वो सिद्धांत की बात करते हैं ना, कह रहे जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपा। जब लग सहज न बदलई माने जब तक भजन स्वभाव न बन जाए, जब तक आप खींचातानी में लगे हो, हाँ भाई करना है, अब क्या करें, करना है, कर रहे हो नहीं रहा है पर कर रहे हो, वो भी अच्छा है। पर कह रहे जब लग सहज न बदले और फुरे न जहां तहां भाव। अब यहां तो बड़े आनंद में बैठे है ना, कथा सत्संग हो रहा है, कीर्तन का आनंद है, और खूब बढ़िया प्रसाद मिलेगा, यहां सब सुंदर व्यवस्था है, सब आनंद में बैठे हैं। अब यहां से जैसे ही बाहर निकले क्या हुआ, जाम में फंस गए, अब सब आनंद हवा हो गया। कह कुछ ऐसा हो कि वो जो भीतर का आनंद है वो सदा सर्वदा एक रस बना रहे, वो बाहर की होने वाली उठापटक से, बाहर की होने वाली धूप छांव से, वो भीतर का आनंद आपका आता जाता ना रहे, बना रहे। कैसे बनेगा? अरे साधु के पास बने रहिए। आपको दो दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, क्यों आराम मिलता है संत के पास बैठकर, क्योंकि संत क्या है, अरे बहता हुआ पानी, वो किसी भी चीज को पकड़ता नहीं है, बच्चे जैसा होता है संत, बालक जैसा निर्मल। आप देखो बालक को आप डांटो रोएगा, पैर पटकेगा, जो चीज हाथ में है उसको भी गिरा देगा, दो मिनट के बाद आपको आप बाहर खेलते खेलते उसको बुलाओ, वो ऐसी दौड़ कर आएगा आपके गले लग जाएगा। ऐसा ही तो होता है ना, बालक दो मिनट में रोने लगता है, दो मिनट में हंसने लगता है, किसी भी बात को वो पकड़ता नहीं है। इसीलिए बार बार संतों ने उदाहरण दिया कि बालक जैसा निर्मल मन, बालक जैसी निर्मल बुद्धि, बालक सा भाव, वो तो फिर प्रभु को प्रिय लगता है। बालक जैसा माने कैसा, ऐसा ही, वो पकड़े नहीं किसी भी चीज को। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि आपको कभी गुस्सा आए ही नहीं, अरे मनुष्य हो आ ही जाएगा, इन विकारों का आना जाना जीवन में रहेगा ही, पर उनको पकड़कर बैठा ना ले हम अपने पास। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, छोटी सी बात होती है ना, छोटी सी बात, वो बरसों वो गठरी अपने सर पर लादे रहते हैं, तो भूलने को तैयार ही नहीं है। तभी तो मैं आपको कहता हूं, ये जो आप मोबाइल में फोटो खींच खींच कर रखते हो, मुझे समझ नहीं आता क्या करते हो इनका, तो जवाब देते कह रहे ये मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज। ध्यान रखना, गुड को पकड़ोगे तो बैड को पकड़ना ही पड़ेगा, गुड बैड अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आधा सिक्का कभी किसी के हाथ थोड़ी आता है। आप गुड को पकड़ोगे तो बैड भी आपके पास ही रहेगा, गुड बैड दोनों को जाने दो, क्योंकि दोनों टेम्परेरी है, दोनों क्षणभंगुर है, गुड भी और बैड भी। हम चतुराई करते हैं, हम कह रहे सुख बना रहे दुख से पीछा छूट जाए, दुख सवारी रहता है, इसी इच्छा में ही तो दुख है,
सुख बना रहे, दुख से पीछा छूट जाए, इसी इच्छा में ही दुख है। आप दुख को स्वीकार कर लो, दुख से मित्रता कर लो। जैसे किसी ने कहा, प्रतियोगिता हो रही थी, एक के हिस्से गुलाब का फूल आया, एक के हिस्से कांटे, और जो निर्णायक था वो ये कहता है कि देखो तुम्हारे हिस्से कांटे आए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, फूल तो कल मुरझा जाएगा, कांटा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यही कला भक्त सीख जाता है, वो दोनों को स्वीकार कर रहा है और एक एक सी प्रसन्नता से दोनों उसको पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो दोनों को नहीं पकड़ता है, दोनों भी उसको नहीं पकड़ते। इसी को कहते हैं जीवन में प्रवाह बना रहे। आप तो बस देखो, और जब तक गुण दोष देखोगे, जब तक अच्छा बुरा लगा रहेगा, जब तक सुख दुख का द्वंद रहेगा, देहाध्यास नहीं छूटेगा। और जिसकी बात मैं आपको कर रहा हूं, जहां की बात गाकर आपको आनंद मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है ना जब गाते हैं हम वहां की बात। दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही जी जी। ये सुख दुख से पार की बात है, ये उस देश की बात है जहां शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। वहां की बात कहकर सुनकर गाकर बड़ा आनंद मिलता है ना, पर जाना कैसे हो वहां? आपका कोई मित्र होकर आता है लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आप देखते हो बोले हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। ऐसे मैं कहता हूं एक इच्छा वहां जाने की लगे, वहां जाने की जगह। भाई इतनी महिमा संतों भक्तों से सुन रहे हैं, हमको भी देखना है, चलो कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, कभी मन नहीं चाहता? कितना प्रभु के रूप का वर्णन संतों ने किया है, कैसा कैसा प्रियतम का रूप है। आहा, कैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जाके चरण की परछाई देख, श्याम सुंदर के चरणों की परछाई, चरण नहीं, कह रहे जाके चरणों की परछाई देख, कोटि कोटि मदन रति सहित लुंठित हुए। कैसे महाप्रभु कहते तेरो रूप कहत नहीं आवे। कौन सा रूप दिखाया होगा महाप्रभु जी ने नरवाहन को? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, वो कैसा रूप होगा? दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। कभी मन नहीं करता कि एक बार तो भाई हम भी देखें? इतना सुना है, इतना सुना है, सुन रहे हैं। किस लिए है सुनना? कि जो 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 वर्ण विषय है उसके अनुभव की इच्छा जगे। यदि रूप का वर्णन सुन रहे हैं तो उसके दर्शन की लालसा जगे, यही तो रूप का वर्णन सुनाने का फल है। कोई कहानी थोड़ी सुनाई जा रही है आपको। ये जो बार बार प्रभु के रूप का वर्णन हम करते हैं, किस लिए? इसीलिए कि वो दर्शन की लालसा जगाए, दर्शन की उत्कंठा जगाए। और भाई तन मन के बड़े रोग हैं, बड़े विकार हैं, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो कह रहे हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पिव मिले, कौन दुहागण हो। तो जहां से आज चर्चा आरंभ की, मैं वहीं पर ले जाकर चर्चा को विराम देता हूं कि ये मन मार जिवाइए। और कबीर कहते हैं, कह रहे जिस मरने से जग डरता है, बड़ा डरता है कोई मन ना मर जाए? मन मर जाए तो कोई जाकर दवा लेता है, मन ना मर जाए। जा मरने से जग डरे, कबीर कह रहे हैं मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। सुधर्म बोधनी कार श्री लाडली दास जी महाराज सुधर्म बोधनी में कहते हैं, कहते प्रभु और जीव में आड़ क्या है, पर्दा किसका है? तो कहने अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए।
वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। श्री लालीदास जी कह रहे बोले तीन हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। ये जो शरीर है ना, कहले बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार, इसी को कह रहा हूं मैं, वो जो उत्कंठा है छटपटाहट, कितना कितना दुलराते हैं अपने शरीर को सुबह शाम, कितना शरीर के आराम का ध्यान रखते हैं, खाना पीना उठना बैठना रहना सहना सब किसके लिए है, शरीर को पोसने के लिए ही तो है। और वहां जहां किसी को लगन लगी है, वहां जहां प्रियतम से मिलन की किसी को ललक लगी है, वो क्या कह रहा है, उसकी दशा क्या है। कह रहे जहां मरने से जग डरे, अरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। एक संत की बात मुझे याद आ गई, कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। उन संत को किसी ने जन्मदिन की बधाई दी, उनका जन्मदिन था तो किसी ने उनके जन्मदिन की उनको बधाई दी, तो रोने लगे, आंखों से अश्रु छलकने लगे। कह रहे अरे आज के दिन की बधाई देते हो, आज का ही तो वो दिन है जिस दिन अपने प्रियतम से बिछड़ कर मैं आया, बोले आज के दिन की क्या बधाई है, बोले जिस दिन मिलूंगा उस दिन बधाई देना। कहले कि जिस दिन मिलूंगा ना उस दिन बधाई देना, आज के दिन की क्या बधाई देते हो, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। अरे कम से कम ये इच्छा का दीपक तो जलाइए अपने जीवन में, मिले कभी हमसे भी मिले, कभी कभी तो नजर भर वो देखे और मुस्कुराए, और उसकी उसकी उस नजर के बिना ये आना जाना, ये मरना जीना, ये दुख सुख, ये मिटेगा नहीं भाई, ये जाएगा नहीं, ये बंधन टूटेगा नहीं। जब वो देखेगा उस नजर से, जिस नजर से किसी को अपना बनाया जाता है, दृष्टि से ही किसी को अपना बनाया जाता है। प्रेम के देश में तो जो होता है वो दृष्टि से ही होता है। महाराज कह रहे हैं अमृत दृष्टि संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव और सेवक को दीनी अपनी सेव। और ठाकुर जी तो जो देते हैं वो दृष्टि से ही देते हैं, इसलिए दूर से बस बिहारी जी के वो दो मोटे मोटे नए नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो सब काम वहीं से कर देते हैं, सब काम वहीं से करते हैं। वो नजर नजर भर वो देखे, क्या ध्रुवदास जी कह रहे हैं, नेक चित वो मोमाही पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोमाही। उससे क्या होगा, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। एक बार प्रीतम की स्वीकृति मिल जाए, आपको दो दिन पहले मैंने कहा था ना भक्त क्या होता है, जो भगवान का भाग है, ठाकुर जी ने जिसको कह दिया भाई ये अब से हमारा हिस्सा है, अब कोई नहीं देख सकता है इसकी ओर, फिर ना माया उसकी ओर देखेगी ना काल उसकी ओर देखेगा, प्रभु कह दे कि ये हमारा हिस्सा है। एक बार प्रियतम अपना ले, एक बार उस दृष्टि से देख ले। आप देखो देखने की दृष्टि से ही तो संबंधों की भिन्नता का अनुमान होता है। आप जैसे अपनी माता को देखते हैं वो दृष्टि अलग है, जिस दृष्टि से बहन को देखा जाता है वो दृष्टि अलग है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि अलग है। कह रहे अपना करने वाली दृष्टि से, जिस दृष्टि से अपनाया जाता है उस दृष्टि से प्रियतम एक बार मेरी ओर देखे, मेरी 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 ओर निहारे। जिससे प्रियतम की स्वीकृति मिल जाए, तू तक दे ता मैं तर जावा, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी। कुछ कुछ ऐसा आधार मिल जाए हम भी कह सकें ये बात, दुआ ना कोई होर मंग दी। नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दे, तभी तो अगली बात कहता है कोई, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। एक बार उनकी स्वीकृति मिल जाए,
तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को प्रेम, प्रभु को नमन।